था वही हुआ ना। देखो अब लड़ झगड़ के बात मनवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं चाहता। वो मेरा इंतखाब क्यों करेंगे? कहाँ वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर और कहाँ मैं? हसन तुमने तो कहा था कि तुम हर हालात में मेरा साथ दोगे, अब क्यों तुम बुजदिलों की तरह पीछे हट रहे हो? परेशान मत हो, मैं मम्मी अबू को मना लूंगी। तुम देखना, 2 दिन में भूख हड़ताल करूंगी ना तो दोनों के दिल नरम पड़ जाएंगे। किससे बात कर रही थी तू? कौन था वो? इसीलिए तुम्हें हमने पढ़ने के लिए दूसरे शहर में भेजा था कि तुम हमें ये दिन दिखाओ, हमारी मोहब्बत का ये सिला दो तुम हमें। मम्मी, हसन की शादी करने में क्या बुराई है? वास बंद कर, जितना मैं पूछूं सिर्फ वो बताओ कौन था, कब से चल रहा है सिलसिला? 2 साल से जानते हम एक दूसरे को। मम्मी, हसन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है, बहुत शरीफ है। हम तो ये समझ रहे थे कि हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करने गई। हमें क्या मालूम था कि हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है? हसन की शादी करने में आखिर गलत ही क्या है अम्मी? गलत तो वो है जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, उनसे पूछे बगैर मेरी शादी कर रहे हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसले नहीं करते, और तुम्हें अब हमारे फैसले का मान रखना होगा। जरूर रखती हूँ, अगर ये मेरी जिंदगी का मामला ना होता तो। तुम जानती हो, अगर इस बात की खबर तुम्हारे अबू को पता चल गई ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। वो ऐसा क्यों करेंगे अम्मी? शादी एक जिंदगी का अहम फैसला है, और अगर वो ही मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या? बकवास बंद करो, मुझे आके कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे अबू लड़के वालों को जबान दे चुके, वादा कर चुके उन लोगों से, अबू अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, और तुम्हें तुम्हें हमारी बात का भरम रखना है। अगर तुमने इनकार कर दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चाहे जो भी हो जाए, मैं शादी मैं सिर्फ हसन से करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नूर, नूर! आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आप ही से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। तुम्हारी क्या सुनेगी, मेरी तो बात कोई सुन नहीं रही। क्या जवाब दूंगी मेरे रिश्ते वालों को? वो तो कह रहे हैं कि मंगनी की तारीख तय कर दें। तुम्हारे अब्बू, उन्हें क्या बताऊंगी मैं कि उनकी बेटी ने क्या खुल खिलाए जिस पर उन्हें इतना मान था? अम्मी, ये भी तो हो सकता है अब्बू आप ही के किसी फैसले पर एतराज ना करें। आप जानती तो हैं वो कितना प्यार करते हैं उनसे, आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। जानती, बहुत अच्छी तरह से जानती। उसी लाड प्यार का तो नाजायज फायदा उठा रही है वो, इसीलिए पढ़ाया लिखा था हमने कि माँ बाप की और खानदान की इज्जत का कोई एहसास नहीं रखे वो। मुझे उससे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, दिल दुखाया उसने मेरा। लेकिन क्यों तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने लड़के वालों की जबान दे दी है, अब पीछे नहीं हट सकता? बताया तो था, लेकिन। लेकिन क्या? वो यहां शादी नहीं करना चाहती, किसी और को पसंद करती है। क्या?